हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप एंड यू आर वाचिंग एनपीपी अर्न मिक्स कैन चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप एंड यू आर वाचिंग एनपीपी अर्न मिक्स कैन चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रीन स्क्रीन की जो वीडियो है कैसे शूट करें और उसको कैसे रिकॉर्ड करें और कैसे उसको एडिट करें। ठीक है दोस्तों, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। एक मैंने जो वीडियो बनाई है पहले कि भाई अपना ग्रीन स्क्रीन का जो कैसे सेटअप आप करें, घर पर ही बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आप ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर ही बना सकते हैं। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ, ये वाली वीडियो है। और ये वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आ रहा है कैसे बनाएं, और नीचे लिंक भी आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे मैं सेटअप करता हूँ। तो आपको जरूरत पड़ेगी एक माइक की, अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। आप नहीं चाह रहे माइक लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना उसके भी आप रिकॉर्ड सकते हैं, मोबाइल की वॉइस से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप मोबाइल जो है स्टैंड से निकाल लेता हूँ। दोस्तों फोन जो है मैंने निकाल लिया स्टैंड से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस टाइप का जो कुछ ये स्टैंड, यहाँ पे जो स्टैंड आपको जो है ये ट्राईपोड लगाना है, और पीछे जो है इस टाइप से जो है पीछे ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेरा ये सेटअप है जो कि मैंने थोड़ा अलग कर रखा है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। फुल वीडियो आप वाली देख लीजिएगा। तो दोस्तों आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरह के आप वीडियो शूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शूट करने के बाद आपको जिसको लैपटॉप में अपने डाल लेना है, जो कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं फिल्मोरा गो है। आप जो फिल्मोरा 9 जो यू मतलब फिल्मोरा कंपनी का आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। एडोब प्रीमियर भी बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि शायद आपको बताया जाए कि मतलब फिल्मोरा गो में आप इसको कैसे लेकर के आएँ। सिंपल है, स्क्रीन से आप उठाइए इसको, जहाँ वहाँ पर जाकर के ड्रैग कर दीजिए। जैसे यहाँ से आपको जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एमएक्स प्लेयर में, सॉरी ये वीएलसी मीडिया प्लेयर में वीडियो डाली हुई है। मैं आपको लैपटॉप में भी दिखा देता हूँ, ये वाली वीडियो है। ठीक है, अब इसको हम जो है जो ये है हमारा फिल्मोरा गो, इसके अंदर हम इसको हम डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और साथ में जो पीछे बैकग्राउंड की जो इमेज है वो ये वाली आपको ये मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने तरीके से आप कोई सा बैकग्राउंड पीछे लगा सकते हैं। तो ये वाला बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ड्रैग कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये तीन जो है, ये इसमें मेरी तीसरी वीडियो अलग से, मतलब सेम वही वाली वीडियो है, तो इसलिए आपको ये तीन दिख रहे हैं। फर्स्ट तो आपको ये दिख रहा है, ये है बैकग्राउंड फोटो, और ये सेकंड में दिख रही है ये वीडियो, जो थर्ड वाली है ग्रीन वाली, ये भी वीडियो है। दो वीडियो हैं, दोनों को मिलाकर के एक वीडियो मैंने बनाई है। तो यहाँ पर आपको यहाँ लेकर के आ जाना है, इंपोर्ट कर लेना है। सिंपल इंपोर्ट आप कर सकते हैं। अगर आपको फिल्मोरा सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं आपको अलग से बता दूंगा उसको क्रैक करके कैसे आप यूज़ करें, क्योंकि ये जो है पैड सॉफ्टवेयर आता है, पैसों का सॉफ्टवेयर आता है, फ्री में नहीं मिलता है। अगर फ्री डाउनलोड करते हैं वहाँ से इसका जो है लोगो दिखाता है स्क्रीन पर, आपको दिखेगा नहीं सही से। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ कर लेना है, और हम इसमें क्रोमा की का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम जो है कलर करेक्शन भी करेंगे साथ साथ में। आपने देखा होगा पहले वीडियो, चेहरे पर जो है इसमें कुछ पिंपल्स वगैरह भी हैं, तो मैंने उसको भी हाइड किया है, और चेहरे की जो ब्राइटनेस वगैरह यानी कि स्मूथ वगैरह भी किया है, ब्यूटी उसमें बढ़ाई है, जिससे कि वीडियो में थोड़ी एक अच्छी सी क्वालिटी आ जाए। केवल फ़ोन से शूट करता हूँ, अगर DSLR वगैरह से शूट करते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी उसमें जो है काफ़ी सारे पिंपल्स वगैरह दिखते हैं, तो इसमें हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इस तरह से जो है ट्रैक कर लेनी है। तो दोस्तों इसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्रोमा की कर लेना है, तो नीचे जो बैकग्राउंड वाइप मैंने हटा दिया था, मैं इसको फिर से लगा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो ना एडिट कर रखी थी, तो आपको यहाँ पे कलर करेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे क्रोमा की का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो क्रोमा की पर जाकर के आपको इसका जो बैकग्राउंड वो सेलेक्ट करना होता है, इसका ग्रीन जो ग्रीन जो कलर है वो हट जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें, ये मैंने पहले से प्रोजेक्ट सेव करके रखा हुआ था दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसा आपको जब इसको ड्रैग करेंगे तो पीछे भी आपको ड्रैग कर लेना है, तो इस तरीके से अभी ग्रीन ग्रीन दिखेगा। जैसे कि आपको क्रोमा की पर जाकर के आप इसको रिमूव कर लेंगे तो ओके हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 3D लूट का, एक्सप्लोसिव का, जो है ब्राइटनेस का, कंटेस्ट का, इस सैचुरेशन, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और आपको जो है प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, तो आप जो बैकग्राउंड है वो भी सेट कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद में जब आपका क्रोमा की हो जाए तो उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने आपको दिखाई दिया है किस तरह की वीडियो है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो आप बिल्कुल सीखना चाहते हैं, तो मैं अलग से एक वीडियो ये तो मैंने केवल आपको दिखाने के लिए बना दिया था। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, वो बता दीजिए, तो वो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप चाहते हैं इसका लॉन्ग ट्यूटोरियल फुल जो है मतलब पूरा बनाना, मतलब कैसे इसको करेंगे, तो अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं फुल ट्यूटोरियल बनाना तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जल्दी इसकी वीडियो बना दूंगा, कैसे आप फिल्मोरा डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, वो पूरी वीडियो एडिट करना भी सिखा दूंगा। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मुझसे सीखें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।